असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने 17 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये तस्वीरों का कोलाज ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने रैली में चीन का संविधान पकड़ा है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के समर्थकों ने भी ऐसा ही दावा किया। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल तस्वीर पर संज्ञान लेते हुए छानबीन शुरू की। सर्च करते हुए हमें ये रिपोर्ट मिली। तस्वीर के साथ बताया गया है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में इलेक्शन से पहले रैली के दौरान भारत का संविधान हाथ में लाकर ये दावा किया था कि वो इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस जनसभा के इस वीडियो में भी राहुल गांधी भारत का संविधान पकड़े हुए नजर आते हैं। इस फुटेज को जूम करने पर साफ दिखता है कि लाल रंग की इस किताब पर भारतीय संविधान लिखा है। आगे जांच जारी रखते हुए हमें मालूम हुआ कि ये संविधान की एक पॉकेट कॉपी है जिसे ईस्टर्न बुक कंपनी ने पब्लिश किया था। ऑल्ट न्यूज ने ये भी पाया कि कई मौकों पर भारतीय संविधान के इस पॉकेट एडिशन के साथ भाजपा के नेता भी दिखते हैं। यानी हेमंत बिस्वा सरमा का ये दावा कि राहुल गांधी ने रैली में चीन का संविधान पकड़ा है क्योंकि उसका रंग लाल था, गलत साबित होता है। राहुल गांधी ने भारतीय संविधान का पॉकेट संस्करण पकड़ा था।